हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी में। तो कल अपन ने देखा था फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, और आज अपन बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन के एमसीक्यू जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, फीटल हार्ट स्टार्ट द पम्पिंग इट्स ऑन ब्लड, यानी कि फीटल हार्ट अपना ब्लड पम्प करना कब स्टार्ट कर देता है। तो पहला ऑप्शन है थर्ड वीक, ठीक है, बी ऑप्शन है सेकंड वीक, सी ऑप्शन है सिक्स वीक और डी ऑप्शन है फोर्थ वीक। तो फीटल हार्ट स्टार्ट करता है थर्ड वीक पे, ठीक है, जब भी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ 21 डेज, जब ट्रसरी विलाई बनती है। तो ट्रसरी विलाई क्या होती है कि वेस्कुलर होती है, ठीक है, जो कि सर्कुलेशन के लिए सुटेबल है। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया अपना थर्ड वीक, ठीक है। तो ये ठीक है, तो अपना सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी बाईपास चैनल आर प्रजेंट इन फिटल सर्कुलेशन, यानी कि फिटल सर्कुलेशन के अंदर कितने बाईपास चैनल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका दो या टू बाईपास चैनल, बी ऑप्शन है थर्ड थ्री बाईपास चैनल आर प्रजेंट, सी फोर्थ या नॉट प्रजेंट। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी फर्स्ट बाईपास चैनल हो गया डक्टस विनोसिस, सेकेंड हो गया फोरामेन ओवल एंड थर्ड बाईपास चैनल इज डक्टस आर्टेरियोसिस। तो इसका आंसर हो गया अपना बी, ठीक है। दोस्तों देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लोजिंग फीटल ब्लड वेसल्स आफ्टर द बर्थ, यानी फीटस के अंदर जो बेबी बर्थ हुआ है उसके अंदर फर्स्ट कौन सी वेसल्स क्लोज होती है, ठीक है, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, फोरामेन ओवल या फिर बाइफर्केशन पॉइंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्लोज होती है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, फर्स्ट है 800 ग्राम, ठीक है, 60 to 80 ग्राम, ठीक है, 200 to 250, ठीक है, एंड लास्ट वन 500। तो इसका राइट आंसर है 500, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच स्ट्रक्चर आर कनेक्ट बाई फोरामेन ओवल, ठीक है, यानी कि फोरामेन ओवल किस किस से कनेक्ट रहता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसका जो फोरामेन ओवल है वो किस किस से कनेक्ट रहता है, ठीक है, फोरामेन ओवल एंड बिटवीन द एट्रियल सेप्टा, यानी तो इसका आंसर हो गया राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड इन फर्स्ट 4 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 4 मंथ में अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 4 मंथ के अंदर 4 ब्लड वेसल्स होती है, बट आफ्टर द 4 मंथ राइट अम्बिलिकल वेन आर डिसअपीयर, ठीक है। तो अगर बात करें अपन आफ्टर द 4 मंथ तो ब्लड वेसल्स होती हैं 3, लेकिन 4 मंथ से पहले ब्लड वेसल्स 4 प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 2 अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लेसेंटा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं अपन, माइक्रो कैपिलरीज, सेकेंड है इंटरविलस स्पेस एंड विलाई सिस्टम, थर्ड है डेसीडुआ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अपन बात करें माइक्रो कैपिलरीज,
माइक्रो कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन लंग्स एंड यू, और ये सब एडल्ट के अंदर मिक्स ऑक्सीजन मिक्स करती हैं, ठीक है, और रिमूव CO2, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरविलस स्पेस एंड विलाई सिस्टम, जो कि प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होता है और यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरविलस एंड विलाई सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड, ठीक है। तो इसको राइट हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। डेसीडुआ, जो कि प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को अपन बोलते हैं, ठीक है, तो ये अपन नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेसल्स आर हैविंग लोवेस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन इन फीटस इन इंट्रायूटराइन लाइफ, ठीक है। तो फर्स्ट है इंट्रा अम्बिलिकल वेन, ठीक है, सेकंड है IVC, थर्ड है इंडक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है, फोर्थ है अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन का सेचुरेशन होता है 80%, ठीक है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ठीक है, IVC, ठीक है, एंड डक्टस आर्टेरियोसिस एंड अम्बिलिकल आर्टरी। तो इसमें जो सबसे कम होता है वो होता है अम्बिलिकल आर्टरी का, ठीक है, वो होता है 50-60%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। तो सबसे पहले देखते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है। कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो अपन इसका ओरिजिन देखते हैं, ठीक है, कहाँ से होता है। तो फर्स्ट है बाइफर्केशन पॉइंट, ठीक है। तो बाइफर्केशन पॉइंट क्या होता है, इसकी अपन कल चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं, ठीक है। बाइफर्केशन पॉइंट होता है वेयर पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड इन टू पार्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ बोथ लंग्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ है बाइफर्केशन पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेटेंट फोरामेन ओवलिस, ठीक है। फर्स्ट है CCF, सेकंड है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, थर्ड है साइनोटिक हार्ट डिजीज और फोर्थ वन है MI। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पेटेंट फोरामेन ओवलिस क्या होता है, ठीक है। ये होता है फेलियर ऑफ क्लोजिंग फोरामेन ओवल, ठीक है। अब फोरामेन ओवल होता है, इतना हार्ट हो गया, ठीक है, और अब ये हो गया फोरामेन ओवल, ठीक है। अगर ये बंद नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं अपन, जब इंट्रायूटराइन लाइफ में राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर हाई रहता है, लेकिन आफ्टर द बर्थ, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का संट होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब ब्लड राइट एट्रियम में आएगा तो ये जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इन लंग्स, यानी कि रिप्यूरिफिकेशन होके आएगा, तो ठीक है, इससे एक साइनोटिक डिजीज हार्ट डिजीज तो होगी नहीं, ठीक है, CCF भी नहीं होगा। अब बात आती है MI, ठीक है। MI किसकी वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और तो फिर इसका आंसर हो गया एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, तो इसका आंसर हो गया B, ठीक है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
फॉर टू मेंटेन पोटेंसी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, तो या दूसरे शब्द में अपन कह सकते हैं कि डक्टस आर्टेरियोसिस को अपन काउंट करके रखता है। ठीक है, फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, सेकंड है प्रोस्टाग्लैंडिन, थर्ड वन है ग्रोथ हार्मोन और फोर्थ वन है डोपामाइन। ठीक है, तो अपन बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन एक, ठीक है, एक बॉन्डिंग हार्मोन है जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का अपन अलग से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट ऑक्सीटोसिन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, सेकंड वन है प्रोस्टाग्लैंडिन, थर्ड वन है ग्रोथ हार्मोन, फोर्थ वन है डोपामाइन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और डोपामाइन का यहाँ कोई रोल नहीं है। ठीक है, अपन अब बचता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन होता रहता है जिससे क्या है कि डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रहता है, लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा आर एक्सपेल आउट, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका हो गया बी, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन। रेमिनेंट क्या होते हैं, जो अवशेष के रूप में बच जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है, जो कि अम्बिलिकल आर्टरी का लिगामेंट है, अम्बिलिकल आर्टरी का रेमिनेंट है। ठीक है, लिगामेंटम आर्टेरियोजम, ठीक है, जो कि इसका रेमिनेंट है डक्टस आर्टेरियोसिस। और थर्ड वन है लिगामेंटम विनोसम, जो कि डक्टस विनोसिस का रेमिनेंट है। ठीक है, और लास्ट वन है लिगामेंटम टेरिज, जो कि अम्बिलिकल वेन का लिगामेंट है। ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, एंड लिगामेंटम आर्टेरियोजम लिगामेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, लिगामेंटम विनोसम रेमिनेंट ऑफ डक्टस विनोसिस। ठीक है, लिगामेंटम टेरिज लिगामेंटम टेरिज रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर